हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है शून्य पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि ईएमआरएस ने अभी बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो आउट की हैं। अभी पिछले ही महीने जून एंड में ईएमआरएस में आपकी कुछ टीचिंग पोस्ट और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट आई थी। उसमें आपकी पीजीटी था, अकाउंटेंट था, लैब अटेंडेंट और जेएसए, ये पोस्ट आई थी। और अभी अभी क्या हुआ है, कुछ ही दिन पहले ईएमआरएस ने एक और वैकेंसी निकाली है जिसमें टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की पोस्ट जो है वो आई है। तो मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ कि आपके पास यहाँ पर तीन टॉपिक है, ठीक है। टीचिंग वाला पार्ट अभी यहाँ से हम हटा देते हैं। हमारे पास बचती है तीन पोस्ट नॉन टीचिंग की, जिनकी आप तैयारी एक साथ कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उन तीनों का सिलेबस जो है वो एक साथ कवर कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, आपका अकाउंटेंट, आपका जेएसए और आपका जो हॉस्टल वार्डन है, इनका सिलेबस 75 से 80% कॉमन है। अगर यकीन नहीं है तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहां पर देखिए, ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है, ठीक। ये आते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक। तो अब यहां पर देखो, हमें अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है ना, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, छोटा लेवल हो, बड़ा लेवल हो, कुछ भी हो, हमें दो चीजें उसके एग्जाम की पता होनी चाहिए। पहला है उसका एग्जाम पैटर्न, दूसरा है उसका सिलेबस। एग्जाम पैटर्न हमें ये शो करता है कि हमें किस पार्ट को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, और सिलेबस हमें ये बताएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बिना इसके तो आप कभी कोई एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाएंगे, ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से जो है वो मालूम है। तो मैंने भी यहाँ पर क्या किया है, मैं तीनों का, आपका अकाउंटेंट का, जेएसए का और हॉस्टल वार्डन का, तीनों का सिलेबस यहाँ पर ले आया हूँ, तीनों का पैटर्न यहाँ पर ले आया हूँ। और उसमें से अब देखो, मैं आपको आपके सामने दिखा दूंगा क्या क्या चीजें कॉमन है, क्या क्या हमें पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपका सबसे ऊपर है यहाँ पर, ये आपका जेएसए का, ठीक, ये आपका जेएसए, ये है आपका अकाउंटेंट और ये है आपका हॉस्टल वार्डन। चलो जी, रीजनिंग एबिलिटी 20 सवाल 20 नंबर, हम सभी को पता है कि इसमें एक सवाल जो है पूरे पैटर्न में, पूरे पेपर में, इन तीनों में एक सवाल एक नंबर का होने वाला है और 1/4 की आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। रीजनिंग एबिलिटी 20 सवाल 20 नंबर, क्वांट्स 20 सवाल 20 नंबर, जनरल अवेयरनेस 30 सवाल 30 नंबर, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 सवाल 30 नंबर, 15 की इंग्लिश 15 की हिंदी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 सवाल 30 नंबर। ठीक है जी, पांच टॉपिक हो गए। अब ये आपको पांच टॉपिक ना अकाउंटेंट में भी दिखा दूंगा और मैं आपके हॉस्टल वार्डन में भी दिखा दूंगा, ये टोटल हमारा 130 है। ठीक, अब यहां पर देखो, रीजनिंग आ गई, क्वांट्स आ गई, लैंग्वेज आ गई और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस भी आ गई। हालांकि वेटेज कम है, यहां पर कंप्यूटर अवेयरनेस सिर्फ 30 नंबर का है और 20 नंबर की अवेयरनेस है, 50 का था बट यहां पर 20 का हो गया, लेकिन पढ़ना आपको उतना ही पार्ट है। आपको नहीं पता कि क्या चीजें आएंगी क्या चीजें नहीं आएंगी, ये आपको भी मालूम होती है चीजें, ठीक है ना। 20 नंबर में लैंग्वेज, वहां 30 की थी यहां 20 की होगी, क्वांट्स भी है और रीजनिंग एबिलिटी भी है, ठीक, ये हो गया आपका अकाउंटेंट। 40 नंबर में इसमें आता है आपका अकाउंटेंट का मेन वाला पार्ट, तो 90 नंबर यहां से हो गए, 130 वो 90 ये। ठीक, आते हैं जी हॉस्टल वार्डन पर। जनरल अवेयरनेस 10 सवाल, रीजनिंग एबिलिटी 20 सवाल, आईसीटी कंप्यूटर्स एक ही होता है 20 सवाल, नॉलेज ऑफ पोक्सो 10 सवाल 10 नंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर। तो 40 नंबर को हटा देते हैं यहां से और अभी आते हैं नीचे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30 नंबर। तो अब देखो, यहां पर सारी चीजें सेम है, यहां पर 120 का पेपर है तो 120 में से 80 नंबर, तो अब बताओ 120 में से 80 नंबर, 130 में से 90 नंबर और 130 के 130, तो क्या आपको ये फॉर्म, आपको ये तीनों फॉर्म की तैयारी एक साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका इसका जवाब तो आपको अपने आप मिल ही गया होगा कि सबका सिलेबस सेम है। पैटर्न मैंने सेम दिखा दिया, अब मैं आपको सिलेबस भी सेम दिखा दूंगा। तो कहने का मेरा मतलब अभी तक यहाँ पर इस वीडियो में क्या है कि अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो तीनों फॉर्म भर दो, बिना कुछ सोचे समझे तीनों फॉर्म को फिल कर दो, तीनों फॉर्म की तैयारी आप एक साथ जो है कर सकते हैं। और इन केस आपका अकाउंटेंट नहीं एलिजिबल है तो आप हॉस्टल वार्डन और जेएसए दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। एक जेएसए की तैयारी करो एक प्रो लेवल पे, है ना, 130 मार्क्स की तैयारी करो बहुत अच्छे लेवल पर, आपका उसमें से 80 नंबर का हॉस्टल वार्डन बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा, बहुत इजीली, ठीक है। तो एक ही साथ तैयारी करनी है आपको, सारे सब कुछ एक ही बार पढ़ना है और अगले 2 से 3 महीनों में आप तीन पेपर भरेंगे जिसमें से आपका एक एग्जाम तो 110% आपका निकल ही जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है क्योंकि एक ही संस्थान है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कंडक्ट करा रहा है, सिलेबस भी इनका ऑलमोस्ट सेम ही है। बात करते हैं सिलेबस की, फटाफट से आओ सिलेबस पे। रीजनिंग एबिलिटी, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट,
तो चलो इसको एक मिनट रोकते हैं। मेरा मेन मोटिव शायद आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों फॉर्म है, एक ही सिलेबस है, तीनों की तैयारी एक साथ करूं। यही मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव है, और मेरा मोटिव इसमें कुछ है ही नहीं कि तीनों एग्जाम के लिए एक साथ जाओ। ठीक, एक बार सिलेबस देख लेते हैं, सबका सिलेबस सेम है, आप चेक कर लेना। मैंने तीनों पीडीएफ भी यहाँ पर अटैच करा दी है, आप चाहो तो उनको आप एक बार देख सकते हो। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन रीजन, वेन डायग्राम, क्वांट्स में आपका रेशियो प्रोपोर्शन। भले क्वांट्स आपका हॉस्टल वॉर्डर में नहीं आएगा, बस ये आपका वहां पर पार्ट नहीं आ रहा है, बट आपका जेएस और अकाउंटेंट में वाला पार्ट है। ठीक, आपका रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट लॉस है, प्रॉब्लम ऑन एजेस है, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एलसीएम, परसेंटेज है ना, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, डीआई, मिक्सचर एलिगेशन। ओके, आगे चलते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो जनरल नॉलेज भी आएगी और करंट अफेयर्स में आपके जो लेटेस्ट जो न्यूज चल रही है आपकी, है ना, जो भी आपका कोई भी, अब अगर एनईपी आया है आपका 2020 में, या जो भी चीजें आपकी भी लॉन्च हुई है एजुकेशन में, कोई भी किसी भी तरह का रिवोल्यूशन आया है, कोई भी किसी भी तरह की नई न्यूज आई है, वो आपका इसमें आ जाएगा। जनरल हिंदी, संधि समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लघोक्तियां, पठित गद्यांश। इंग्लिश में आते हैं वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीवेशन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस था, मैंने आपको जो है सारी चीजें यहां पर बता दी हैं बहुत डिटेलिंग में। वीडियो का मेरा मोटिव जो है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार इस पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ना आप कहीं और भटको। मेरा मेन मोटिव है कि आप भटकिए मत, आप एक साथ इनके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, सिर्फ आपको मैंने बताया ना, जेएससी की तैयारी करो, 130 नंबर की तैयारी करो, बहुत अच्छे लेवल की, ठीक है, 12th लेवल में मत जाना, सीजीएल के लेवल की तैयारी करो, एससी लेवल की तैयारी करो, जो आपके वो आपके 130 का नंबर है। टॉपिक्स को ऐसा रट दो कि वो किसी भी एग्जाम में आए। और आपके पास फायदा भी ये है कि अगर आप जेएससी की तैयारी करते हैं, जेएससी का नोटिफिकेशन पहले आया है और आपका हॉस्टल वार्डन का बाद में आया है, तो एक महीना लगभग एक महीना है, 15 से 20 दिन, 20 दिन तो मान के चलो, 20 दिन बाद आपका होगा हॉस्टल वार्डन, और 20 दिन प्रैक्टिस के लिए बहुत बैठते हैं। तो आपको एक और मौका मिल गया, अगर आपने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है ईएमआरएस जेएससी का या फिर अकाउंटेंट का, तो फॉर्म फिल कर दो फटाफट से, 31 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। हॉस्टल वार्डन में भी टाइम है, बट उसके लिए वेट मत करो, नेक्स्ट मंथ भर देना, मेरा मतलब यह है यहाँ पर कहने का। मेरे पीछे दो इमेज है, स्टिल आपकी ईएमआरएस के अंदर कोई डाउट है, ईएमआरएस में चाहे आपका हॉस्टल वार्डन हो, चाहे आपका जेएससी हो, चाहे आपका अकाउंटेंट हो, इस एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, जॉब लोकेशन होगी, फॉर्म फिलिंग हो गया, जॉब सिक्योरिटी है, आपका एलिजिबिलिटी है, पैटर्न है, कुछ भी है ना, तो हम लोग आपके लिए फ्री वर्कशॉप लेके आ रहे हैं जो 27 जुलाई को होने वाली है, और वो होगी शाम को 7 बजे, जिसको कनेक्ट कराएंगे करण सर और विक्रम सर। फ्री वर्कशॉप है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फ्री वर्कशॉप का, आप जाकर उस वर्कशॉप पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको जो है वहां पर जाके आपको डिटेलिंग मिल जाएगी सारी की सारी। आप उसको फॉर्म फिल करिएगा, अपना नाम, आईडी, रोल नंबर सब भर दो वहां पर, और उसके बाद आपको मेल आएगा, आप इस फ्री वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई इसका कॉस्ट नहीं है। और इस तरह भाई मैं यहाँ पर, ये हमारे एक स्टूडेंट है राहुल गर्ग है, एफसीआई एजीएम अकाउंट 2021, तो ये हमारे मतलब ये अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, बहुत बढ़िया है, हमारे जो फैकल्टी है प्रतीक तालदार सर है सीए की। तो अगर आप अकाउंटेंट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक जो है नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहां से उसको अपने आप चेक करिए, अपने आप उसको डेमोस का चेक कीजिए, और मॉक टेस्ट भी जो है हमारे फ्री है। तो कितनी सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी, वर्कशॉप के बारे में बताया मैंने आपको, सिलेबस के बारे में बताया मैंने आपको, कोर्स के बारे में बताया, और हमारे मॉक टेस्ट भी फ्री है, अकाउंटेंट हो, जेएससी हो, हॉस्टल वार्डन है, सबके मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है। फटाफट नीचे जाओ, उनको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, और वर्कशॉप के लिए क्या करो, आप फटाफट से उस फॉर्म को फिल कर दो। और अगर हॉस्टल वार्डन की भी आपको तैयारी करनी है, उसका भी लिंक नीचे गिवन है, आप जाकर उसको भी फिल कर दीजिए, डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हैं हमसे, तो हम हॉस्टल वार्डन का भी जो कोर्स है वो लेकर लॉन्च को कर देंगे। ठीक है, तो यही मुझे यहाँ पर बताना था आपको सभी वीडियो में, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों को भी जो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, वी आर आई एग्जाम बी एंड वी आर 50% फास्टर। थैंक यू।